फिलहाल गाड़ी की 250 किलोमीटर की है और एवरेज भी 10 के आसपास ही बस पहुंचने वाली है, 9.7 है, क्योंकि यहाँ पे 110-120 में मैं क्रूज पे सेट कर देता हूँ ना, तो एवरेज अच्छी निकल जाती है। अभी इसको 100 किलोमीटर और चलाएंगे, फिर कोई फ्यूल स्टेशन ढूंढेंगे ताकि जब फुल टैंक हो तो वापिस अपने को वही 550-600 की रेंज मिल जाए। ये जो डीजल की प्रॉब्लम है ना, अपने को ईरान में ही है, टर्की में एंटर करते कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का डीजल हर जगह पे मिलता है, हर स्टेशन में। बस ये है कि महंगा बहुत होगा, राउंड जो मैंने गूगल पे चेक किया 80 रुपए लीटर पड़ेगा। वहाँ पे चलती है टर्किश लीरा करेंसी और 20 टर्किश लीरा का एक लीटर दिखा रहा है और एक टर्किश लीरा में अराउंड 4 रुपए होते हैं इंडिया के, तो वही इंडिया के हिसाब से 80 रुपए का पड़ेगा, जो स्टिल इंडिया से तो सस्ता ही है, बट ईरान से वही 20 गुना महंगा हो गया ना। तो बस हमें माकू तक की दिक्कत है, एक बार हमने क्रॉस कर दिया ईरान का बॉर्डर, टर्की में एंटर हो गए, उसके बाद तो भैया डीजल ही डीजल है, हर स्टेशन वाले बिना किसी कार्ड के बिना किसी रजिस्ट्रेशन के सब टूरिस्ट को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महंगा है तो कौन स्मगलिंग करेगा वहां से। ईरान में 5 रुपए लीटर है इंडिया के हिसाब से, इसलिए वो होती है स्मगलिंग।